और अरशाद किया कि मैं उस वक्त तक मदीने में दाखिल नहीं होगा जब तक मेरा भाई अली अलैहिस्सलाम ना आ जाए। सलमान फारसी उस वक्त तक मदीने में एक यहूदी के गुलाम थे और अपने मालिक के हुजूरों के बाग में पानी देते और उनकी हिफाजत किया करते थे। हजरत सुलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात मालूम करते रहते थे। लहजा जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच की खबर सुनी तो हुजूरों का एक जवाब उठाकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का बरकत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि मैंने सुना है कि आप मुसाफिर होकर यहाँ तशरीफ लाए हैं। लहजा मैं अपनी सदाकत आपकी खिदमत में लाया हूँ, आप इनको तलवार फरमाए। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहब को फरमाया, इस इलाके का इनको तलवार